जैसे मोहम्मद का सरगना आतंकी मसूद अजहर को आतंकी घोषित न करने को लेकर चीन का विरोध जारी है। संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को लेकर एक बार फिर चीन और भारत आमने सामने हुए हैं। चीन ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में कहा कि हमने नियमों के मुताबिक ही तुच्छ राजनीतिक कारणों की वजह से मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने पर रोक लगाई है। चीन लगातार मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के लिए भारत, यूएस, यूके और फ्रांस के प्रयासों में अड़ंगा डालता आया है। इससे पहले बुधवार को यूएन में भारतीय प्रतिनिधि सईद अकबरुद्दीन और यूएन के कुछ देशों ने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख न होने की वजह से आलोचना की थी। अकबरुद्दीन ने कहा था कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व्यक्तिगत और आतंकवादी संस्थाओं पर अनिवार्य प्रतिबंधित समितियां ठोस काम करने में विफल रही हैं और इस प्रकार के मामले भी संकीर्ण राजनीति का शिकार हो रहे हैं। अकबरुद्दीन के बयान का जवाब देते हुए चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता हुआ चुनइंग ने कहा कि जैश के नेता मसूद अजहर पर हमने निष्पक्ष कदम उठाया है। हुआ ने कहा कि मसूद के मामले में जो भी हमने किया है वो संकीर्ण राजनीतिक विचारधाराओं से परे है। एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर दिल्ली में शुक्रवार से उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है, वहीं संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच विरोधाभास देखने को मिल रहा है। हालांकि मसूद अजहर को लेकर चीन शुरू से ही अड़ंगा डालता आया है। चीन ने साथ में कहा कि हमने आतंकवाद को लेकर कई बार 1269 कमेटी को कई बार शालीनता से सुना है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। सीमा विवाद के बाद अब मसूद अजहर दोनों ही मुद्दों पर अब दोनों देश आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। टीम इंडिलिंक्स।